बेटा क्वेश्चन क्या दिया बेटा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, बी एक्स प्लस सी है, माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट्स। ओके ठीक है, इसमें अब हम केस करेंगे सर, हम इसमें तीन केस बनाएंगे, जब एसी बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर एसी। अच्छा ठीक है, लिखिए डिस्क्रिमिनेंट लिखोगे, डी ए हो गया, एसी नॉट इक्वल टू जीरो पॉजिटिव, और इस ये दोनों का ही लो, ये इस वाली का सेकंड वाली पॉजिटिव नहीं लो, इस वाली का सेकंड नहीं लो, हाँ नहीं लो। इसी को करने का बेटा डिफरेंट वाइज में कर सकते हो, तो मैंने एकदम बहुत एक इजी मेथड बताएंगे लास्ट में, तो जो जो बच्चे सॉल्व किया उन लोग फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो एग्जाम में तो तुम लोग को ही सॉल्व करना है, हम लोग तो नहीं जाएंगे, तो पहले तुम लोग का मेथड होना चाहिए, उसमें करेक्शन होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम के टाइम टेस्ट का टाइम होगा, नवम्बर तक तो टीचर पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, उसके बाद जो कॉपी चेक तो जैसे टीचर को करना पड़ता है दिसंबर ऑनवर्ड्स, उससे पहले तो कॉपी चेक करें नहीं करें, होमवर्क दिया जाए फिर बोर्ड में बुलाया जाए, ठीक है? तो जो भी है, लेकिन इस टाइम में तुम लोग को बोर्ड में परफॉर्म करना चाहिए कि कौन कितना, कोई न्यू क्वेश्चन को कैसे करके हम क्या बोलते हैं क्रैक करना है, हाँ अच्छे वर्ड है क्रैक, अच्छा ठीक, अच्छा अटेम्प्ट करो, ठीक कैसे करके सॉल्व करो आसान लैंग्वेज में, लिख दीजिए जगह है ना, दिखा देगा केसरी थोड़ा सा फुट जा रहा है, कोई बात नहीं, कल एक्चुअली साइंस हुआ था ना बेटा,
साइंस में था। इसके बाद हम लोग के जैसे ही साइंस का चैप्टर मैथ का चैप्टर आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन विल स्टार्ट दैट वन टुमारो डे आफ्टर टुमारो दैट विल बी दैट इज सिविक्स इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करना है। ओके और इधर थिंग इसमें राइटिंग सेक्शन एक दिन कराया था, लेकिन उस दिन तुम लोग का रिस्पॉन्स अच्छा था, फिर शुरू हो राइटिंग सेक्शन। अच्छा इंग्लिश में ज़्यादा रूल बताते तुम लोग बोर हो जाते हो ना, लेकिन नंबर के लिए तो करना पड़ेगा। फिगर ऑफ स्पीच, ओके ठीक, हाँ फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस के अंदर। अच्छा ऑनलाइन में जिन लोग को दिखाई नहीं दे रहा लेकिन ये वीडियोस में रिकॉर्ड हो जा रहा है, वो मैं डिफरेंट डायरेक्शन में इसको मूव करा दे रहा हूँ, वीडियोस देख लेना। अच्छा हाँ बेटा बताइए क्या क्या फाइंड किए। तो इसमें हमें गिवन है रियल नंबर है, अब यहाँ पे एसी नॉट इक्वल टू जीरो है, तब हमने तीन केस लिए जहाँ पे डी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac है। अब यहाँ पे हमने क्या क्या इक्वेशन ए मान ली और इक्वेशन बी, इक्वेशन ए में हमने डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट की हमारा इसके इक्वालिटी के हिसाब से, तो हमने पहले प्रूव कर लिया कि डी स्क्वायर हमेशा जो है जीरो से बड़ा होगा यहाँ पे क्योंकि बी रियल नंबर है। अच्छा ओके अच्छा ठीक है तुमने सॉल्व किया सही है, तो अभी इसके एक्चुअली बड़े मेथड हो गया, छोटे मेथड में भी सॉल्व करेंगे हम लोग। हैं ओके गुड।